हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रमेश कुमार तंबोली, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, तिरोड़ीमल गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज रायगढ़। आज के इस लेक्चर वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी पार्ट वन जूलॉजी पेपर वन यूनिट थर्ड के अंतर्गत प्रॉन या पेलीमॉन में रेस्पिरेटरी सिस्टम का विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम देखें श्वसन क्या है। रेस्पिरेशन या श्वसन सभी जीवित जीवों में होने वाली एक आवश्यक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। रेस्पिरेशन जंतु और उसके वातावरण के मध्य श्वसन गैसों ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के परस्पर विनिमय या एक्सचेंज की प्रक्रिया है। रेस्पिरेशन के द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन से कोशिकाओं में भोजन का ऑक्सीडेशन होता है तथा इस प्रक्रिया से मुक्त हुई ऊर्जा विभिन्न जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए उपयोग में लाई जाती है तथा इस प्रक्रिया से मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की क्रियाविधि यह श्वसन कहलाती है। श्वसन माध्यम प्रकृति में ऑक्सीजन की उपलब्धता के दो स्रोत हैं, पहला एयर और दूसरा वाटर, जो जीवों के लिए दो प्रमुख श्वसन माध्यम या रेस्पिरेटरी मीडियम होते हैं। एयर एक मिश्रण है जिसमें लगभग 1/5 भाग ऑक्सीजन, 3/4 भाग नाइट्रोजन तथा अल्प मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसें तथा वाटर वेपर्स होते हैं। जल में ऑक्सीजन घुली हुई अवस्था में होती है। पेलीमॉन या प्रॉन एक स्वच्छ जलीय जंतु है जिसमें जलीय श्वसन, जिसे हम एक्वेटिक रेस्पिरेशन कहते हैं, वह पाया जाता है। आइए अब हम देखें प्रॉन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। प्राण के श्वसन अंग। प्राण में जलीय श्वसन के लिए तीन प्रकार के श्वसन अंग विकसित होते हैं। ये अंग इस तरह से हैं। पहला लाइनिंग ऑफ ब्रेंकियोस्टेगाइट, अर्थात ब्रेंकियोस्टेगाइट का भीतरी स्तर। दूसरा एपिपोडाइट्स और तीसरा है गिल्स। आइए हम विस्तार से इन श्वसन अंगों के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला लाइनिंग ऑफ ब्रेंकियोस्टेगाइट या ब्रेंकियोस्टेगाइट का स्तर। प्राण का सिफेलोथोरेक्स भाग क्यूटिकल से निर्मित एक कैरापीस के द्वारा ढका हुआ होता है। इस कैरापीस का लेटरल एक्सटेंशन नीचे की ओर लटका हुआ होता है तथा यह स्वतंत्र होता है। यही भाग ब्रेंकियोस्टेगाइट कहलाता है। ब्रेंकियोस्टेगाइट के भीतर की सतह पर पतली मेम्ब्रेन पाई जाती है जो वैस्कुलराइज्ड होती है तथा इस मेम्ब्रेन में अनेक सूक्ष्म ब्लड साइनसेस होती हैं जिनमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होते रहता है। गिल चेंबर से होकर प्रवाहित होती हुई जल की धारा में से घुली हुई ऑक्सीजन ब्लड साइनस के रक्त में विसरित होकर डिफ्यूज होकर के चली जाती है तथा रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड गिल चेंबर से बाहर जाती हुई इस जल की धारा में विसरित कर दी जाती है। इस तरह ब्रेंकियोस्टेगाइट
के भीतर की सतह पर स्थित मेम्ब्रेन श्वसन अंग के रूप में कार्य करती है, क्योंकि इसके माध्यम से ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड विसरित कर दी जाती है। ब्रैंकियोस्टेगाइट यह एक सहायक श्वसन अंग के रूप में कार्य करते हुए प्राण की ऑक्सीजन की आवश्यकता की थोड़ी सी मात्रा की आपूर्ति करता है। इस चित्र में प्राण के शरीर के अगले भाग को हम देख सकते हैं जो एक क्यूटिकल के आवरण के द्वारा ढका हुआ होता है और यह आवरण कहलाता है कैरापीस। यही कैरापीस का वह भाग जो शरीर से नीचे लटका हुआ होता है, स्वतंत्र होता है, यह ब्रैंकियोस्टेगाइट कहलाता है। इसी ब्रैंकियोस्टेगाइट के भीतर की सतह पर एक पतली मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसमें रक्त का प्रवाह प्रचुर मात्रा में होते रहता है। यह मेम्ब्रेन अंदर आती हुई जल की धारा में से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती है और उसके एवज में कार्बन डाइऑक्साइड को जल की धारा में छोड़ दिया करती है। इस तरह यह ब्रैंकियोस्टेगाइट की भीतरी मेम्ब्रेन गैसों के आदान प्रदान का कार्य करती है, अर्थात यह श्वसन अंग के रूप में कार्य करती है। आइए द्वितीय श्वसन अंग के बारे में हम अध्ययन करते हैं। प्राण का दूसरा श्वसन अंग यह इपिपोडाइट कहलाता है। प्राण में तीन जोड़ी इपिपोडाइट्स पाई जाती हैं। ये इपिपोडाइट उनके प्रथम, द्वितीय और तीसरे मैक्सिली पीठ के कोक्सा की बाहरी सतह पर उपस्थित होती हैं। इपिपोडाइट्स का निर्माण या विकास मैक्सिली पीठ के कोक्सा की सतह पर आउटग्रोथ के रूप में होता है। प्रत्येक इपिपोडाइट पत्ती के आकार की पेशी या मस्कुलर एवं वेस्कुलर रचना होती है तथा इसकी बाहरी दीवार पर या बाहरी सतह पर क्यूटिकल की परत अनुपस्थित होती है। ये इपिपोडाइट विशिष्ट रचनाएं होती हैं जो प्रिमिटिव गिल के रूप में श्वसन का कार्य करती हैं। प्रथम मैक्सिलिपिड में इपिपोडाइट्स आकार में बड़े तथा ये बाइलोब्ड होते हैं। यह प्रथम मैक्सिलिपिड है जहां पर हम इपिपोडाइट को देख सकते हैं। ये इपिपोडाइट मस्कुलर और वेस्कुलर रचना है जो आउटग्रोथ के रूप में संलग्न होती हैं और यहां पर हम देख सकते हैं ये इपिपोडाइट ये बाइलोब्ड दिखाई देती है। द्वितीय मैक्सिलिपिड में इपिपोडाइट आकार में छोटे तथा ये बाइलोब्ड नहीं होते हैं। यह पैलीमॉन का सेकेंड मैक्सिलिपिड है और इस सेकेंड मैक्सिलिपिड पर हम देख सकते हैं एक इपिपोडाइट उसके कोक्सा के खंड पर संलग्न है। यह इपिपोडाइट अपने साथ में एक गिल भी संलग्न रखती है और यह गिल भी श्वसन अंग के रूप में काम करता है। यहां पर यह जानना जरूरी है कि प्रथम मैक्सिलिपीड के इपिपोडाइट की तुलना में सेकेंड मैक्सिलिपीड के इपिपोडाइट आकार में छोटे होते हैं तथा ये बाइलोब्ड नहीं होते हैं। तीसरे मैक्सिलिपीड में इपिपोडाइट ये सबसे छोटे होते हैं तथा यह भी बाइलोब्ड नहीं होते हैं। ये प्रॉन या पेलीमॉन का तीसरा मैक्सिलिपीड है और इस मैक्सिलिपीड के कोक्सा पर ये छोटा सा आउटग्रोथ के रूप में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यह इसका इपिपोडाइट होता है। कुल मिलाकर प्रॉन में इपिपोडाइट की संख्या तीन होती है जो क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तीसरे मैक्सिलिपीड के कोक्सा पर संलग्न होती हैं, जिनमें से पहली मैक्सिलिपीड की इपिपोडाइट यह बाइलोब्ड होती है
तथा द्वितीय और तृतीय मैक्सिलिपीड की एपिपोडाइट यह बाइलोब्ड नहीं होती हैं। ये एपिपोडाइट निरंतर पानी के संपर्क में बने रहते हैं, जिससे पानी में घुली हुई ऑक्सीजन एपिपोडाइट के भीतर प्रवाहित होते हुए रक्त में तथा कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से पानी में विसरित कर दी जाती है, डिफ्यूज कर दी जाती है। इस तरह एपिपोडाइट श्वसन अंग का काम करते हैं। यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि एपिपोडाइट भी सहायक श्वसन अंग के रूप में कार्य करते हुए प्राण की ऑक्सीजन की आवश्यकता की थोड़ी सी मात्रा की पूर्ति करते हैं। प्राण का तीसरा और प्रमुख जो श्वसन अंग है यह गिल कहलाता है। प्राण में 8 जोड़ी गिल पाए जाते हैं, लेकिन बाहर से देखने पर 7 जोड़ी गिल ही दिखाई देते हैं, क्योंकि तीसरे नंबर का गिल यह दूसरे नंबर के गिल के ठीक नीचे की ओर स्थित होता है, इसलिए यह दिखाई नहीं देता है। गिल थोरेसिक रीजन में आउटग्रोथ के रूप में विकसित होती हैं तथा ये कोमल फीदर या पंख के समान रचनाएं होती हैं। गिल प्राण के प्रमुख श्वसन अंग हैं, ये ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा की पूर्ति करते हैं। आइए हम देखें गिल का लोकेशन। गिल्स गिल चेंबर के भीतर स्थित होती हैं तथा गिल चेंबर थोरेक्स भाग में उसके लेटरल साइड पर स्थित होती हैं। ब्रेंकियोस ये अपने बाहर की ओर से ब्रेंकियोस्टेगाइट के द्वारा कवर्ड होती हैं, ढकी हुई होती हैं। गिल चेंबर के पीछे नीचे तथा आगे की ओर से खुला हुआ होता है। टाइप्स ऑफ गिल। गिल के प्रकार। उपांग या अपेंडिजेस पर संलग्न रहने के आधार पर प्राण में गिल 3 प्रकार के होते हैं। पहला, यह पोडोब्रैंक गिल कहलाता है। उपांग या अपेंडिजेस पर यदि डायरेक्ट गिल लगे हुए होते हैं तब उस प्रकार के गिल को पोडोब्रैंक गिल कहा जाता है। प्राण में सेकेंड या द्वितीय मैक्सिलिपीड की कोक्सा पर एक पोडोब्रैंक गिल लगा रहता है, अर्थात प्राण का जो पहला गिल है वह पोडोब्रैंक गिल होता है। ये प्राण का सेकेंड मैक्सिलिपीड है और इस सेकेंड मैक्सिलिपीड के कोक्सा वाले भाग पर ये मस्कुलर वेस्कुलर आउटग्रोथ के रूप में यह एपिपोडाइट उपस्थित रहती है और इसी एपिपोडाइट के साथ में एक गिल संलग्न रहता है। चूंकि यह गिल सीधे सीधे उपांग पर लगा हुआ होता है और इसलिए इस गिल को पोडोब्रैंक गिल कहा जाता है, तो प्राण का जो पहला गिल है यह गिल पोडोब्रैंक गिल कहलाता है। दूसरा गिल आर्थ्रोब्रैंक गिल। सभी उपांग या अपेंडेजेस शरीर से आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़े रहते हैं। इस आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन पर लगे हुए गिल आर्थ्रोब्रैंक गिल कहलाते हैं। प्राण में तीसरे मैक्सिलिपीड के आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन पर 2 आर्थ्रोब्रैंक गिल लगे हुए होते हैं। इस तरह प्राण का दूसरा एवं तीसरा गिल आर्थ्रोब्रैंक गिल होता है। तीसरा गिल यह दूसरे गिल के ठीक नीचे स्थित होता है। तीसरे तरह का गिल यह प्लूरोब्रैंक गिल कहलाता है। थोरेक्स के लेटरल साइड पर क्रमशः 4th, 5th, 6th, 7th एवं 8th खंड में, जिसमें वॉकिंग लेग्स लगी हुई होती हैं, प्रत्येक खंड में एक जोड़ी प्लूरोब्रैंक गिल होता है। इस तरह प्राण का 4th, 5th, 6th, 7th और 8th गिल प्लूरोब्रैंक गिल होता है। आइए इस चित्र पे हम देख सकते हैं, ये प्राण की बॉडी का
टी एस है, अनुप्रस्थ काट है, और यहां पर हम तीनों तरह के गिल को देख सकते हैं। पहले प्रकार का गिल जो सीधे सीधे उपांग पर लगा हुआ होता है यह कहलाता है पोडोब्रैंक गिल। दूसरे प्रकार का गिल जो उपांग और उसे जोड़ने वाली आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के ऊपर गिल लगा हुआ होता है यह गिल कहलाता है आर्थ्रोब्रैंक गिल। और तीसरा जो गिल इनके बॉडी के लेटरल साइड पर लगे हुए होते हैं ये गिल कहलाते हैं प्लूरोब्रैंक गिल। इस चित्र में हम देख सकते हैं ये सामने की ओर जो नीले रंग से रचनाएं दिखाई दे रही हैं, जो पहले दूसरे और तीसरे मैक्सिली पीट के पर लगी हुई हैं, ये एपिपोडाइट्स कहलाती हैं, और सेकेंड मैक्सिली पीट पर ये पहला गिल उपस्थित है और यह गिल पोडोब्रैंक गिल होता है। इसी तरह से दो गिल ये तीसरे मैक्सिली पीट के साथ लगे हुए होते हैं और ये गिल कहलाते हैं आर्थ्रोब्रैंक गिल। तो ये दोनों के दोनों गिल कहलाएंगे आर्थ्रोब्रैंक, अर्थात गिल नंबर दो और गिल नंबर तीन ये आर्थ्रोब्रैंक गिल होते हैं। उसके पश्चात हम यहाँ पर पांच गिल अलग से देख सकते हैं जो शरीर के लेटरल साइड पर स्थित होते हैं, ये गिल कहलाते हैं प्लूरोब्रैंक गिल, और इन गिल की संख्या पांच होती है। तो इस तरह प्रॉन में एक पोडोब्रैंक गिल, दो आर्थोब्रैंक गिल और पांच प्लूरोब्रैंक गिल होते हैं, अर्थात गिल की कुल संख्या यह आठ जोड़ी होती है। यहां पर हम एक साइड पर आठ गिल को देख पा रहे हैं और शेष आठ गिल इसके अपोजिट साइड पर स्थित होती हैं। ब्रेंकियल फार्मूला, प्रॉन में ब्रेंकियल फार्मूला का हम अध्ययन करेंगे। प्रॉन में एपिपोडाइट्स और गिल की संख्या तथा उनके संलग्न रहने की स्थिति को टेबुलर फॉर्म में या टेबल के फॉर्म में प्रदर्शित करना यह ब्रेंकियल फार्मूला कहलाता है। इस टेबल पे उपांग का नाम एपिपोडाइट, पोडोब्रैंक, आर्थोब्रैंक, प्लूरोब्रैंक दर्शाया गया है और अंत में दाहिने साइड पर उनका योग या टोटल दर्शाया गया है। यहां पर हम देखते हैं जो फर्स्ट मैक्सिलिपीड है उसमें एक एपिपोडाइट होती है तथा उसमें कोई भी गिल संलग्न नहीं होता है, अर्थात पोडोब्रैंक नहीं होता, आर्थोब्रैंक भी नहीं होता, प्लूरोब्रैंक भी नहीं होता, और इस तरह इनका योग एक ही होता है। सेकंड मैक्सिलिपीड में एक एपिपोडाइट होती है तथा एक पोडोब्रैंक गिल होता है तथा आर्थ्रो और प्लूरोब्रैंक गिल नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इनका कुल योग दो होता है। तीसरे मैक्सिलिपीड पर भी एक एपिपोडाइट पाई जाती है तथा इसमें दो आर्थ्रोब्रैंक गिल पाए जाते हैं, जबकि पोडो और प्लूरोब्रैंक गिल ये अनुपस्थित होते हैं। इस तरह कुल संख्या तीन हो जाती है। आइए अब हम देखें वॉकिंग लेग के बारे में। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वॉकिंग लेग में केवल उनके साइड पर गिल चैम्बर में एक एक प्लूरोब्रैंक गिल पाई जाती हैं, जबकि इनमें एपिपोडाइट्स नहीं होती हैं, पोडोब्रैंक गिल नहीं होती हैं और आर्थोब्रैंक गिल नहीं होती हैं। तो हर वॉकिंग लेग में खंड के साइड पर एक एक गिल उपस्थित होती है और इस तरह गिल की कुल संख्या पांच हो जाती है। तो यदि हम इसको टोटल करें, वर्टिकल टोटल करें, तो इनकी कुल संख्या आती है 11। इसी तरह से यदि हम ब्रेंकियल फार्मूला में एपिपोडाइट की कुल संख्या देखें तो यह तीन होती है, पोडोब्रैंक गिल की संख्या एक, आर्थ्रोब्रैंक गिल की संख्या दो और प्लूरोब्रैंक गिल की संख्या पांच होती है। यदि इन्हें हम हॉरिजॉन्टल टोटल करें तो इनका भी योग यह 11 आता है।
तो वर्टिकल टोटल और हॉरिजॉन्टल टोटल यदि दोनों इक्वल आता है, इसका मतलब प्राण का यह ब्रैंकियल फार्मूला सही है। अब हम देखें गिल की संरचना। प्राण में गिल प्रमुख श्वसन अंग होते हैं। इनकी रचना के संदर्भ में हम देखें कि प्राण के प्रत्येक गिल चेंबर में 8 गिल्स स्थित होते हैं। गिल का आकार अर्धचंद्राकार या क्रिसेंट्रिक होता है तथा ये आगे से पीछे की ओर क्रमशः आकार और परिमाण में बड़ी होती चली जाती हैं। प्रत्येक गिल में 3 भाग होते हैं, पहला गिल रूट, दूसरा गिल एक्सिस और तीसरा गिल प्लेट या गिल लैमली। पहले हम देखें गिल रूट के बारे में। प्रत्येक गिल के मध्य में पीछे की सतह पर एक छोटी संयोजन या जोड़ने वाली रचना होती है, यह रचना गिल रूट कहलाती है। इस गिल रूट के द्वारा गिल शरीर से जुड़ा रहता है। इस गिल रूट से होकर अशुद्ध रक्त ले जाने वाली एफरेंट ब्लड चैनल गिल में प्रवेश करती है तथा गिल से शुद्ध रक्त को लेकर इफरेंट ब्लड चैनल गिल रूट से बाहर आती है। साथ ही इसी गिल रूट से होकर नर्व भी गिल के भीतर प्रवेश करती है। गिल रूट शरीर की सतह से गिल एक्सिस को जोड़ता है तथा यह एक ब्रिज की तरह कार्य करता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं ये प्राण का शरीर है, उसका बॉडी सरफेस है और इस बॉडी सरफेस के अपोजिट साइड पर ये इनका गिल लगा हुआ है। तो इस गिल को बॉडी सरफेस से जोड़ने के लिए जो रचना होती है यही रचना कहलाती है गिल रूट। यह एक ब्रिज के रूप में काम करती है। यदि इस गिल रूट का सेक्शन काट करके देखें तो हम ये पाते हैं इस गिल रूट से हो करके अशुद्ध रक्त को गिल में ले जाने वाली एफरेंट ब्रैंकियल चैनल ये प्रवेश करती है तथा वह रक्त गिल में भ्रमण करने के बाद जब शुद्ध होकर बाहर आता है तब वह इफरेंट ब्लड चैनल के माध्यम से इसी गिल रूट से बाहर निकलती है। साथ ही साथ इस गिल रूट से नर्व भी यहीं से प्रवेश करता है। ये जानकारी हुई गिल रूट के बारे में। आइए अब हम देखें दूसरी रचना जिसे हम कहते हैं गिल एक्सिस। प्रत्येक गिल के मध्य में गिल की पूरी लंबाई में गिल एक्सिस होती है जिसके बाहर की ओर दोनों किनारों पर गिल प्लेट की एक एक पंक्ति लगी रहती है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि गिल रूट ये गिल एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ है और यह गिल एक्सिस लंबी होती है तथा इसी गिल एक्सिस के दोनों साइड पर गिल प्लेट की एक एक कतार होती है। तो इस तरह ये गिल प्लेट की एक कतार और दूसरे साइड पर इसके समानांतर ही गिल प्लेट की दूसरी कतार होती है। तीसरी रचना जो प्रमुख है जिसके द्वारा श्वसन की कार्यविधि पूर्ण होती है ये कहलाता है गिल प्लेट या इसे हम गिल लैमेली भी कहते हैं। गिल एक्सिस के समकोण पर दो कतारों में लगी अनेक कोमल चपटी एवं लगभग आयताकार रचनाएं पाई जाती हैं। इन्हीं रचनाओं को गिल प्लेट्स कहते हैं। गिल प्लेट्स पुस्तक के पन्नों की तरह गिल एक्सिस पर लगी हुई होती हैं। मध्य भाग की गिल प्लेट्स आकार में बड़ी तथा सिरों की ओर क्रमशः ये छोटी होती चली जाती हैं। गिल एक्सिस की संपूर्ण लंबाई में एक खांच होती है और उस खांच को मीडियन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव कहते हैं। इसी ग्रूव के द्वारा जो गिल प्लेट्स हैं उनकी दोनों कतारें एक दूसरे से अलग रहती हैं। गिल प्लेट की सतह पर क्यूटिकल नहीं पाई जाती है। यहाँ पर हम गिल की
रचना को सामने की ओर से देख सकते हैं, ये गिल प्लेट्स हैं। तो गिल प्लेट की दो कतारें यहां पर देखने को मिलती हैं, और ये जो गिल प्लेट्स हैं मध्य में आकार में बड़ी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इनके सिरे की ओर देखते हैं इनका आकार क्रमशः धीरे धीरे घटते चला जाता है। दोनों गिल प्लेट के बीच में, जैसे एक गिल प्लेट की ये कतार है और दूसरे गिल प्लेट की ये कतार है, दोनों कतारों के बीच में एक खांच दिखाई देती है और इसे ही मीडियन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव कहा जाता है। यहां पर यदि हम इन दोनों गिल को पृथक से देखें तो हम इसकी रचना को इस तरह से देख सकते हैं। ये दोनों गिल प्लेट हैं और ये गिल प्लेट अपने बेस पर लगी हुई हैं और इसे ही हम कहते हैं गिल बेस। यहां पर ध्यान देना जरूरी है कि प्रॉन के गिल बेस में गिल की दो आयताकार कतारें होती हैं तथा दोनों कतारें इस मीडियन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव के द्वारा एक दूसरे से अलग रहती हैं। इस तरह के गिल को फाइलोब्रैंक गिल कहा जाता है। तो प्रॉन का गिल फाइलोब्रैंक प्रकार का गिल होता है। हिस्टोलॉजी ऑफ गिल, गिल के आंतरिक संरचना के बारे में हम देखें, इसे हम कहते हैं गिल प्लेट की औतिकी या हिस्टोलॉजी। गिल एक्सिस का वह भाग जिस पर प्रत्येक प्लेट अपने तिकोने आधार से जुड़ा हुआ होता है, यह भाग गिल बेस कहलाता है। गिल बेस ढीले कनेक्टिव टिश्यू, जिन्हें हम लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, उसके द्वारा निर्मित होता है, जिसके बाहर की ओर क्रमशः एपिथीलियम की एक परत और उसके बाहर क्यूटिकल की एक लेयर या स्तर उपस्थित होती है। प्रत्येक गिल प्लेट में एपिथीलियम कोशिकाओं की एक पंक्ति होती है, जिसमें दो प्रकार की कोशिकाएं एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं। ये कोशिकाएं क्रमशः पिगमेंटेड सेल और ट्रांसपेरेंट सेल कहलाती हैं। आइए इस चित्र में हम हिस्टोलॉजी का अध्ययन करते हैं। फाइलोब्रैंक गिल में ये जो तिकोना भाग हम देख रहे हैं, ये भाग कहलाता है गिल बेस, और गिल बेस का जो हिस्टोलॉजी है वह अनेक लूज कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा निर्मित हुआ दिखाई देता है। इस लूज कनेक्टिव टिश्यू के बाहर की ओर इपिडर्मिस की एक लेयर होती है तथा इपिडर्मिस के बाहर की ओर क्यूटिकल की एक महीन लेयर होती है। यहां पर हम देखें गिल बेस में जो ब्लड है उसके लिए तीन तरह के चैनल दिखाई देते हैं। दो चैनल जो लेटरल साइड पर होते हैं ये कहलाते हैं लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल, और जो मध्य में सिंगल होती है यह कहलाती है मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल। इस चित्र में भी हम देख सकते हैं, ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, इसमें दो भाग होते हैं, पहला भाग ये गिल प्लेट हुआ और दूसरा भाग गिल बेस हुआ। तो गिल बेस यह लूज कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बना हुआ है, जिसके बाहर की ओर इपिडर्मिस तथा इपिडर्मिस के बाहर की ओर क्यूटिकल की लेयर होती है। यदि हम गिल प्लेट के बारे में देखें तो गिल प्लेट एपिथीलियम कोशिकाओं की एक पंक्ति के द्वारा बनी हुई होती है, और प्रत्येक पंक्ति में दो तरह की कोशिकाएं एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं। ये कोशिकाएं क्रमशः ट्रांसपेरेंट सेल और पिगमेंटेड सेल होती हैं। पिगमेंटेड सेल ये गहरे कलर की होती हैं, जबकि ट्रांसपेरेंट सेल ये हल्के कलर की होती हैं और लगभग पारदर्शी होती हैं। तो इस तरह गिल की हिस्टोलॉजी हमें देखने को मिलती है। आइए अब हम देखें गिल में श्वसन के लिए रक्त का प्रवाह, ब्लड सप्लाई टू गिल। शरीर से सारा अशुद्ध रक्त, जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, वह पहले वेंट्रल थोरेसिक साइनस में आता है, जहां से वह एफरेंट ब्रैंकियल चैनल में चला जाता है
और ये एफरेंट ब्रैंकियल चैम्बर चैनल गिल रूट से प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद वह ट्रांसवर्स कनेक्टिव में खुलती है। इस ट्रांसवर्स कनेक्टिव से रक्त पहले दोनों लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल में पहुंचता है, जहां से वह गिल प्लेट के मार्जिनल चैनल्स में पहुंचता है और मार्जिनल चैनल से रक्त बहते हुए एक मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल में पहुंचता है। गिल प्लेट से प्रवाहित होने के दौरान रक्त ऑक्सीजन ग्रहण करके शुद्ध हो जाते हैं या ऑक्सीजिनेटेड हो जाते हैं। मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल से यह शुद्ध रक्त एक इफरेंट ब्रैंकियल चैनल द्वारा गिल रूट से बाहर निकलकर पेरिकार्डियल साइनस में पहुंचता है, जहां से यह रक्त वितरण के लिए हृदय या हार्ट में चला जाता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं प्रत्येक गिल में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वह लेटरल लॉन्गिट्यूडनल, मार्जिनल चैनल और मीडियन लॉन्गिट्यूडनल के माध्यम से होता है। तो गिल में जो अशुद्ध रक्त होता है वह एफरेंट ब्रैंकियल चैनल के माध्यम से गिल रूट से होकर प्रवेश करता है। वह सबसे पहले ट्रांसवर्स कनेक्शंस या कनेक्टिव के संपर्क में आता है और ये जो ट्रांसवर्स कनेक्टिव होती हैं, ये दोनों ओर लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल से संबंधित होती हैं और ये लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल ये गिल प्लेट के अंदर दोनों साइड पर स्थित होती हैं और इस लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल से मार्जिनल चैनल निकलकर गिल प्लेट के साइड से होते होते ये आकर के एक चैनल में खुलती हैं और इस चैनल को मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल कहा जाता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि लेटर लॉन्गिट्यूडनल चैनल से ब्लड मार्जिनल चैनल से होते हुए वो प्रवेश कर जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है इस मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल में। इसी तरह दूसरे गिल प्लेट पर भी हम देख रहे हैं कि ब्लड सर्कुलेट होकर के मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल में प्रवेश करता है और यह जो मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल है वह शुद्ध रक्त को लेकर के इफरेंट ब्रैंकियल चैनल के द्वारा गिल रूट से बाहर आती है। इस तरह गिल में श्वसन के लिए रक्त का प्रवाह होता है। इसे हम इस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी समझ सकते हैं। शरीर का जितना भी अशुद्ध रक्त होता है वह प्राण के शरीर के वेंट्रल साइड पर थोरेक्स रीजन में स्थित एक साइनस में इकट्ठा होता है। फिर यह अशुद्ध रक्त एफरेंट ब्रैंकियल चैनल के द्वारा गिल रूट से प्रवेश करते हुए वह ट्रांसवर्स कनेक्टिव से जुड़ता है और ये जो ट्रांसवर्स कनेक्टिव होते हैं ये जुड़े हुए होते हैं मार्जिनल चैनल से। तो ट्रांसवर्स कनेक्टिव लेटर लॉन्गिट्यूडनल चैनल से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उनमें खुलते हैं और इस तरह लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल से अशुद्ध रक्त इनके मार्जिनल चैनल में प्रवाहित होता है और जिस समय वह मार्जिनल चैनल में प्रवाहित होता है वह पानी में से ऑक्सीजन को विसरण के द्वारा ग्रहण कर लेता है और उसके एवज में कार्बन डाइऑक्साइड को वह पानी में रिलीज कर देता है। इस तरह वह रक्त ऑक्सीजनेटेड या शुद्ध हो जाता है और शुद्ध होने के बाद अब वह पहुंचता है मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल में और यह मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल यह गिल रूट से बाहर आती है और जब यह बाहर आती है तब इसे हम कहते हैं इफरेंट ब्रैंकियल चैनल। यहां ध्यान रखना आवश्यक है कि जो एफरेंट ब्रैंकियल चैम्बर है वह अशुद्ध रक्त को लेकर के गिल रूट से होकर गिल के भीतर प्रवेश करती है और गिल से शुद्धिकरण के पश्चात जो शुद्ध रक्त है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वह गिल रूट से बाहर आता है और इसे हम कहते हैं इफरेंट ब्रैंकियल चैनल। यह इफरेंट ब्रैंकियल चैनल ये पेरिकार्डियल साइनस के अंदर खुलती है और शुद्ध रक्त इस पेरिकार्डियल साइनस में
छोड़ दिया जाता है, जहां से यह रक्त हार्ट के भीतर प्रवेश करता है और शरीर के विभिन्न भागों को वह वितरित कर दिया जाता है। तो ये जानकारी हुई ब्लड सप्लाई टू गिल। उसे हम इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जितना भी इम्प्योर ब्लड है वह आ रहा है वेंट्रल थोरेसिक साइनस में, और यह अशुद्ध रक्त एफरेंट ब्रैंकियल चैनल के द्वारा गिल रूट से होकर के प्रवेश कर रहा है, और प्रवेश करने के बाद यह इनके ट्रांसवर्स कनेक्टिव में खुलता है, और ये ट्रांसवर्स कनेक्टिव लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल में खुलते हैं, और यह जो लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल है यह मार्जिनल चैनल से संबंधित होता है, और इस तरह एक साइड का जो लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल है वह रक्त को अपने साइड के मार्जिनल चैनल में भेजती है। इसी तरह से दूसरे साइड का लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल यह अपने रक्त को अपने साइड के गिल प्लेट के भीतर मार्जिनल चैनल में भेजता है, और इस भ्रमण के दरमियान पानी में से घुली हुई ऑक्सीजन को ब्लड अवशोषित कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को यह बाहर विसर्जित कर देता है, और इस तरह वह रक्त शुद्ध हो जाता है। तो जो शुद्ध रक्त है वो एकत्रित किया जाता है मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल में, और हम देख रहे हैं ये जो मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल है यह गिल रूट से बाहर आती है, और इसे कहते हैं इफरेंट ब्रैंकियल चैनल, और यह इफरेंट ब्रैंकियल चैनल ये पेरिकार्डियल साइनस में खुल रही है, और पेरिकार्डियल साइनस में आया हुआ शुद्ध रक्त ये हार्ट के भीतर प्रवेश करता है, और हार्ट उसे शरीर के विभिन्न भागों में संचारित कर देता है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन या श्वसन की विधि। मैक्सिला उपांग का स्केफोग्नेथाइट गिल चैम्बर के सामने की ओर स्थित होता है। यह स्केफोग्नेथाइट चपटा तथा पंखे के समान होता है, जिसके लगातार दाएं एवं बाएं साइड पर गति करने से उत्पन्न जलधारा गिल चैम्बर में पीछे की ओर से प्रवेश करते हुए सभी गिल एवं एपिपोडाइट के ऊपर से गुजरते हुए उन्हें भिगाते हुए गिल चैम्बर के अगले भाग से बाहर निकल जाता है। इस जलधारा से एपिपोडाइट्स तथा गिल्स के भीतर प्रवाहित रक्त में ऑक्सीजन विसरित होकर चली जाती है, तथा रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड जल में विसरित कर दी जाती है। इस तरह प्राण में श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। प्राण में अशुद्ध रक्त या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, जबकि शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनेटेड ब्लड का रंग नीला होता है, जो रक्त में हीमोसाइनिन श्वसन पिगमेंट या रेस्पिरेटरी पिगमेंट की उपस्थिति के कारण से होता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं ये एपिपोडाइट्स और गिल यहां पर लगे हुए होते हैं। सामने की ओर ये एक फैन की तरह रचना दिखाई दे रही है, और यही रचना कहलाती है स्केफोग्नेथाइट ऑफ मैक्सिला। ये मैक्सिला उपांग है, और इस मैक्सिला उपांग का ये हिस्सा ये फैन की तरह दिखाई देता है, और यही बड़ी तेजी के साथ दाएं और बाएं दिशा पर गति करता है, और इसके गति करने के कारण से जल की जो धारा है वो गिल चैम्बर में पीछे की ओर से प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद यह जल की धारा सभी गिल के ऊपर से गुजरते हुए उन्हें नहलाते हुए वो शरीर के अगले भाग से स्केफोग्नेथाइट के हिस्से से बाहर निकल जाती हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है, जिसके कारण से प्राण में सारे गिल और एपिपोडाइट ये जलधारा से भीगे हुए होते हैं, जलधारा के संपर्क में होते हैं, और इस दरमियान पानी में घुली हुई ऑक्सीजन ये गिल के अंदर विसरण की विधि के द्वारा चली जाती है, और गिल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है
वो कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित होकर जल की धारा में छोड़ दी जाती है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती हुई जल की धारा से होकर के पानी के साथ मिलकर के प्रॉन के गिल चेंबर से बाहर चली जाती है। इस तरह रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है प्रॉन में वह पूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर, इस टॉपिक से निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न इस तरह से हैं, डिस्क्राइब दी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन प्रॉन। और ये जो कंटेंट लिया है उनके लिए सजेस्टेड रीडिंग इस तरह से हैं। Thank you.